व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक कैसी घटिया नारी विरोधी मानसिकता है, जहां आप औरत को एक अड़चन की तरह देखते हो, जहां आप पत्नी को छोड़ देने को एक अचीवमेंट की तरह दिखाते हो, और केवल पत्नी ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर भी व्हाट्सएप माफिया यही बात फैलाता है। अरे औरों की तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को देश के लिए छोड़ दिया। मेरे देशवासियों, मैंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। पंजाब केसरी अखबार ने तो उनकी चरण वंदना करते हुए उनकी तुलना भगवान बुद्ध और महावीर जैन से कर डाली। लेकिन इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, कभी भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़कर ऐसे बयान दिए क्या? सन्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। किसी औरत को कांग्रेस का विधवा कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर अपमानित किया, समाज में नफरत का जहर बोया। सत्ता पाने के लिए भगवान बुद्ध ने ये सब नहीं किया था, वो तो खुद एक राजकुमार थे। वो तो सत्ता को, महल को और सिंहासन को छोड़कर जंगल में गए थे, और उनके पीछे उनके माँ बाप, उनकी पत्नी यशोधरा और उनके बेटे राहुल तो राजमहल में सुविधाओं के साथ जी रहे थे। और जब बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई तो जानते हैं उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था? oshonews.com पर ओशो के एक लेक्चर का ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तो पहली बात उन्होंने अपने शिष्यों से ये कही, मैं यशोधरा के पास जाना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर आनंद व्याकुल हो गए, बोले कि ये ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। बुद्ध ने कहा, मुझे उसका धन्यवाद करना है उसकी मदद के लिए, और जो मेरे साथ हुआ, जो मुझे मिला, इसका कुछ हिस्सा मुझे उसे देना है, ये उसका कर्ज है मुझ पर। और वो गए, यशोधरा ने उन्हें देखा, 12 साल का गुस्सा उनके अंदर था।